Welcome students to our channel UK Study. To watch latest current affair, subscribe our channel and press UK Study YouTube channel पर आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग करंट अपडेट से जुड़ी ही चीज़ें पढ़ने वाले हैं, लेकिन बच्चों पढ़ने से पहले आप लोगों को मोटिवेट रहना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को मोटिवेट रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी संबंध में जैसे कि आप लोगों की स्क्रीन के सामने राह संघर्ष की जो चलता है, यानी कि जिसने अपने स्ट्रगल किया होगा, जिसने अपने आप में स्ट्रगल किया होगा, वही संसार को बदलता है। यानी कि आप चेंज करोगे, आप अचीव करोगे, एक नहीं आप जितने भी फॉर्म भरते हो सभी फॉर्म को आप लोग सेलेक्ट होंगे। एक दिन आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट को ज्वाइन करें। साथ ही साथ क्या कहते हैं, जिसने रातों से है जंग जीती, यानी कि जिसने रातों से जंग जीती, आप लोगों ने हमेशा स्ट्रगल करा, 24 आवर में से 20 आवर आपने एजुकेशन को दिया, अपनी स्टडी को दिया, सुबह का सूर्य बनकर वही चमकता है। कहते हैं कि सुबह का सूर्य बनकर वही चमकता है। यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आने वाले समय पर ऐसा रहे कि आपके पास ऑप्शन रहे कि आप कौन से डिपार्टमेंट को ज्वाइन करें, आप जो भी फॉर्म भरें सब में आपका सिलेक्शन हो जाए, और आपके पास हमेशा से ऑप्शन रहे कि आप उस टाइम पे सिलेक्ट करें कि आपके पास कौन सा डिपार्टमेंट आपको ज्वाइन करना है। यहाँ पे बहुत सारी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपका एक नहीं 10 जगह सिलेक्शन हो। तो आगे चलते हैं हम लोग करंट अफेयर वाले सेक्शन में, ठीक है। तो करंट अफेयर में सबसे पहले तो बड़े दुख की बात है, सुषमा स्वराज जी, काफ़ी बड़ा चर्चित नाम, इससे पहले वाले NDA फर्स्ट में, यानी कि 2014 में NDA सरकार बनी थी, उसमें क्या थे आपके विदेश मंत्री थे, फॉरेन मिनिस्टर थे सुषमा स्वराज जी। 14 फरवरी 1952 में इनका जन्म हुआ था, और इससे पहले ये फॉर्मर लॉयर भी रहे हैं, ठीक है, लॉयर भी रहे हैं, ये पॉलिटिशियन थे, इंडियन पॉलिटिशियन, यानी कि भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में से जुड़े थे। ये 7 बार, ध्यान देना, सी हैज़ बीन द इलेक्टेड 7 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 7 बार ये क्या चुने गए, सांसद चुने गए हैं, ये चुन के सांसद चुन के आए हैं आपके, ठीक है, और 3 टाइम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि राज्य विधानसभा के 3 बार क्या रहे हैं, राज्य विधानसभा में भी चुने गए, और 25 साल की एज में, यानी कि 25 एज इन द 1971 सी बिकम द यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत की सबसे यंगेस्ट क्या थे आपके, सबसे युवा कैबिनेट मिनिस्टर भी थे 25 साल की उम्र में नॉर्थ इंडिया से, यानी कि उत्तर भारत की महिलाओं में, ठीक है। और यहाँ कहाँ से आते हैं, नॉर्थ इंडिया में स्टेट ऑफ हरियाणा, हरियाणा से आते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या बन जाता है, सी ऑल्सो सर्व द 5th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, यानी कि सुषमा स्वराज जी दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही है, 1998 के समय पर सुषमा स्वराज जी दिल्ली की क्या थी, मुख्यमंत्री भी रही है। और सबसे दुखद बात कि इस वर्ष दिल्ली के 3 मुख्य, जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हो गए आपके, सुषमा स्वराज जी, तीसरा नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, तो इन तीनों का क्या है, डेथ भी होगी। साथ ही साथ ध्यान देना, इलेक्शन ये आपका इन इंडिया जनरल इलेक्शन 2014 लोकसभा इलेक्शन हुए थे, 16वीं लोकसभा इलेक्शन हुए थे, ये कहाँ से आए थे, विदिशा से आए थे, यानी कि विदिशा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश सर, ये आपके कहाँ, जब ये आपका 16वीं लोकसभा में इन्हें विदेश मंत्री बनाया गया था, फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया था, उस समय पर ये विदिशा, ये याद रखना आप लोग, ध्यान देना कि 16वीं लोकसभा में जब विदेश मंत्री थी तो उस दौरान ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कौन से निर्वाचन क्षेत्र से चुन के आई, तो विदिशा मध्य प्रदेश से। और 26 मई को इन्होंने क्या शपथ ग्रहण लिया था आपका, विदेश मंत्री पद का शपथ लिया था। साथ ही साथ ये तो इनके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगला फर्स्ट पॉइंट, यानी कि जो दूसरा पॉइंट है आपका, 5th नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त, यानी कि आज मनाया जा रहा है। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है आपका, कब, 7 अगस्त को, यानी कि आज, 5वां रहेगा ये आपका, सबसे पहले 2015 में मनाया गया था आपका, ठीक है, नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को जो शुरुआत हुई थी इसकी 2015, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, यानी कि 5th ये अभी है आपका, यहाँ पे मेंशन भी करा हुआ, ठीक है ना। साथ ही साथ देखेंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट
बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी, ये पूरा नाम भी याद रखना है, कई बार पूछा जाता है स्मृति ईरानी का पूरा नाम क्या है, तो स्मृति जुबिन ईरानी, इनके द्वारा क्या किया, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में क्या होगा आपका आज ओकेजन रखा गया। वैसे जो इवेंट आपका होगा भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर होगा, लेकिन यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर के द्वारा इसे एक ओकेजन कहाँ पे रखा गया आपका, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली के अंदर भी रखा गया है। नेशनल हैंडलूम डे, ठीक है, फर्स्ट नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया गया था आपका, 7 अगस्त 2015 को मनाया गया था, तब आपके क्या थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये कहाँ से शुरू किया गया था, मद्रास यूनिवर्सिटी चेन्नई से शुरू किया गया था। इसके पीछे अगर मैं हिस्ट्री बताऊँ आप लोगों को, तो 7 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, 1905 यानी कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उस दौरान भारतीयों के द्वारा 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन यानी कि कर्जन उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वायसराय हुआ करते थे, तो उनके समय पर क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, तो बंगाल विभाजन के विरोध में एक मूवमेंट शुरू हुआ था आपका, स्वदेशी मूवमेंट यानी कि स्वदेशी आंदोलन आपका शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 से। इसीलिए इस डे को किस रूप में मनाते हैं आपका, नेशनल हैंडलूम डे यानी कि आपका हथकरघा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को। इस आधार पर इसे ही बेस मानकर आपका 7 अगस्त से शुरू किया गया था। अगला आपका ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का मतलब आपका गुड गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस भारत के अंदर गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी सेलिब्रेट होता है आपका 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जी के बर्थ एनिवर्सरी पे। तो ई गवर्नेंस पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है आपका 22nd, ये ध्यान देना, आपसे अगर पूछता है कि 2019 में कौन सा है आपका, तो 22वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ई गवर्नेंस जो कि कहाँ पे हो रहा है आपका, शिलोंग के अंदर हो रहा, शिलोंग यानी कि मेघालय में। ये इवेंट कहाँ पे होगा आपका, शिलोंग मेघालय में, और इसकी थीम क्या रखी गई आपकी, डिजिटल इंडिया सक्सेस एंड एक्सलेंस। ये ध्यान देना, इसकी थीम क्या रखी गई आपकी, डिजिटल इंडिया सक्सेस एंड एक्सलेंस इसकी थीम रखी गई है। अब मैं मेघालय की बात करता हूँ, तो मेघालय से अगर आपसे पूछता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होता है वर्षा कहाँ पे होती है, मेघालय के अंदर होती है मानसिंगराम में, और यहाँ के वर्तमान सीएम कौन है, तो यहाँ के वर्तमान सीएम कौन है आपके, कोरोनाड कोंगल संगमा, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका सी के संगमा वर्तमान समय पर क्या है यहाँ मेघालय के सीएम है, ठीक है, वर्तमान समय पर ये। तो ये था आपकी ई गवर्नेंस यानी कि गुड गवर्नेंस पे जो मैंने आपको पॉइंट बताया, ठीक है ना, तो इसकी थीम को जरूर याद रखना, डिजिटल इंडिया सक्सेस टू एक्सलेंस। आगे चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, अभी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370, इस पे आप लोगों सभी को पता होगी जेएनके के अंदर क्या बनाया गया आपका, इंडियन यूनियन के अंदर आपके दो यूनियन टेरिटरी के रूप में बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा और स्पेशली इस पर एक लेक्चर भी बताना है आप लोगों को, तो शुरुआत कहाँ से होती है। अगर आप लोगों को मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट मिशन के बारे में बताया था कि भारत के अंदर कैबिनेट मिशन आया था, समझ रहे हो आप लोग, 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आया था, उस दौरान क्या होता है कैबिनेट मिशन यानी कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है, जिस संविधान सभा में मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई होगी इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसमें टोटल आपकी 93 देसी रियासतें थी, इन्होंने पार्टिसिपेट करा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो मेंबर के रूप में, टोटल आपके 389 मेंबर थे जिसमें से 292 कहाँ से थे आपके, अंग्रेजी शासन से थे, 4 आपके चीफ कमिश्नर से, और 93 आपके कहाँ से थे आपका, देसी रियासतों से। अब ये देसी रियासतों से जो आपके, लेकिन जैसे ही भारत पार्टीशन के बाद, पार्टीशन यानी कि आपका 15 अगस्त को भारत विभाजन हो गया आपका, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, भारत विभाजन हो गया, इसके तुरंत बाद यानी कि 15 अगस्त से जस्ट आपके सितंबर और अक्टूबर छोड़, सितंबर छोड़ते ही अक्टूबर आता है, अक्टूबर में क्या हो जाता है आपका, पाकिस्तानी सेना जेएनके पर अटैक कर लेती है। यहाँ मैं जेएनके क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को ध्यान देना कि जेएनके पे अटैक कर लेती है, मैंने इंडिया नहीं बोला आपको, जेएनके की बात करी। उस समय भी क्या होता है, जो ये 93 देसी रियासतें थी इसमें से हैदराबाद, जूनागढ़ और जेएनके,
ये भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, जब भारत, क्योंकि देसी रियासतें थी आपकी, 93 देसी रियासतें थी, तो इनके पास अधिकार था, ये चाहे तो भारत में मिले और चाहे तो स्वतंत्र रूप से अपना प्रशासन कर सकते हैं, इनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। तो हैदराबाद, जूनागढ़ और JNK, ये तीनों के तीनों भारत में नहीं मिलना चाहते थे। हैदराबाद तो यहाँ तक था कि वो पाकिस्तान में मिलने की, कि मुझे पाकिस्तान के साथ मिलना है। आज के टाइम पे OVC करके जो नाम आता है, वहीं से आपका हैदराबाद रियासत से था। जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया विलय पत्र से, हैदराबाद के अंदर पुलिस कार्रवाई की गई। अब JNK रह गया आपका, ठीक है। JNK में क्या होता आपका, 1947 में जब अटैक करता, अक्टूबर 1947 में जब आपका पाकिस्तान अटैक करता, तो उस दौरान वहाँ पे कौन राजा हुआ करते थे उस समय पे, हरि सिंह भारत सरकार के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, जिसे दिल्ली एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। 26 अक्टूबर को ये एग्रीमेंट होता है, 26 अक्टूबर 1947 में। एग्रीमेंट के तहत तीन चीज़ें इसमें पॉइंट रखे गए थे, वो तीन पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से थे। भारत सरकार JNK के अंदर डिफेंस सर्विस यानी कि सुरक्षा प्रदान कराएगी। दूसरी व्यवस्था, संचार व्यवस्था, यानी कि वहाँ पे जो टेली कम्युनिकेशन व्यवस्था थी वो भारत सरकार के पास थी। और तीसरा पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, कि इंटरनल मैटर में कोई भी मुख्य जो बिंदु होंगे इंटरनल मैटर यानी कि राज्य के अंदर, उसे भारत सरकार कभी हस्तक्षेप नहीं करेगी। आर्टिकल 3 अगर बात करें हम लोग, अनुच्छेद 3, यानी कि किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन या उसके जो बाउंड्री है, जो उसका एरिया है, उसमें परिवर्तन होता है आपका, ठीक है। लेकिन ये जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होता था। ये तीन पॉइंट रखे गए थे, और यहाँ पे दिल्ली एग्रीमेंट के तहत राजा हरि सिंह को कहा गया कि आपके सिटीजन जैसा चाहते हैं उसी तरह का आपको क्या मिलेगा, ठीक है, उसी तरह से कानून बनेगा वहाँ का, ठीक है, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसी तरह से बनेगा, ठीक है, उन्हें एक स्वतंत्र संविधान बनाया जाएगा आपका, वो अलग सा रहेगा। ये सारी चीज़ें उस एग्रीमेंट में कही गई थी, ठीक है। तो इसी के तहत मैं बता देता हूँ आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन जम्मू एंड कश्मीर। अब ऑर्डर क्या हो गया आपका, कि 370 को समाप्त करके क्या रखा गया आपका, 370A के अंदर क्या दिया गया, रेफर टू आर्टिकल 370A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के अंदर, इशू द प्रेसिडेंट बाय इंडिया सेपरेट 1954। 1954 में जो ऑर्डर जारी किया गया था, यानी कि अध्यादेश जारी किया गया था 1954 में, उसको समाप्त कर दिया गया आपका, ठीक है। उसके तहत जो अलग से जो प्रावधान थे, सिटीजनशिप का प्रोविजन था, ठीक है, आर्टिकल 35A था, उसे समाप्त कर दिया गया, ये भारतीय संविधान में कहा गया 370 के तहत। साथ ही साथ रिलेटेड आर्टिकल 370 यहाँ पे क्या दिया गया आपका, रिसोल्यूशन 370 के अंदर, रिसोल्यूशन द आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आर्टिकल 373 आपका, ठीक है ना, जो 373 पॉइंट है आपका जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था दूसरा पॉइंट, आर्टिकल 3 की बात कर रहा हूँ मैं, आर्टिकल 3 स्पेशली ये कहा गया था जो आपका 35A और 370 के अंदर, कि आर्टिकल 3 के तहत भारत, अगर आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 3 की बात पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या, किसी भी राज्य का नाम बदलना, किसी भी नए राज्य का गठन, इसी के तहत होता आपका। और एरिया में आपका, यानी कि किसी राज्य के अंदर उसके एरिया को डिफाइन करना, ये आर्टिकल 3 में दिया गया। लेकिन ये आपका लागू नहीं होता था जम्मू एंड कश्मीर पर, बिना वहाँ की विधानसभा के जो स्टेट असेंबली है उसमें बिल पास किए हुए, यानी कि भारत सरकार किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, एरिया चाहे नाम हो किसी भी में। तो उसे समाप्त कर अब 370 में रखा गया, 370 को समाप्त करके 370C के अंदर अब क्या रखा गया आपका, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्पेशल जो प्रोविजन था उसे रखा गया आपका 370(3) के अंदर। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आर्टिकल जो 3 भारत के अंदर लागू होता है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लागू हो जाएगा। तो करंट अपडेट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे 5 से 10 आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि अब तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चर्चा करी जिन क्वेश्चनों पे, जिनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े। अब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट के द्वारा एक डिपार्टमेंट है आपका, ठीक है, करेंसी आपका क्या करती है, मैनिपुलेट करती है, जिसे क्या बोलते हैं, ट्रेजरी डिपार्टमेंट, यानी एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये क्या करती है, वर्ल्ड की जो करेंसी है डॉलर के अकॉर्डिंग मॉनिटर करती है, यानी कि जो इस कंट्री से जुड़ी हुई है उनकी करेंसियों को क्या करती है, मॉनिटर करती है। जैसे हम कहते हैं कि रुपए की वैल्यू आज 70 रुपए है,
सॉरी $1 की वैल्यू ₹70 के बराबर है। तो इसे मॉनिटर कौन करता है आपका? यूएसए के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट, अगर उसे बताएंगे हिंदी में बोलूँ तो एक ट्रेजरी विभाग है, ट्रेजरी करके एक डिपार्टमेंट होता है जो करेंसी को क्या करती है, मैनिपुलेट करती है। तो रिसेंटली इसने क्या करी है, चाइना की युआन को क्या कर रहा है आपका, मॉनिटर कर रहा है। और साथ ही साथ एक स्टेटमेंट भी दिया गया था किसके द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था, चाइना अपनी करेंसी के साथ सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ करता है, ऐसा स्टेटमेंट उनके द्वारा कल दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, अगले क्वेश्चन की ओर। पाथा मढ़ाई करके आपका क्या है, ठीक है ना, पत्था मढ़ाई सिल्क मैट, पत्था मढ़ाई सिल्क मैट रिसेंटली आपका जनरेट द जीआई टैग, इसे जियोग्राफिकल टैग प्राप्त हुआ है। तो ये किस राज्य से बिलोंग करता है, ठीक है, तो जी आपका कहाँ से है, पाथा मढ़ाई आपका सिल्क है जो कि रेशम मैट है आपकी, तो ये सिल्क आपका कहाँ से, तमिलनाडु से। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो सिल्क फाइबर होता है, रेशम का जो रेशा होता है आपका, किसका बना होता है, तो ध्यान देना ये होता है प्रोटीन का, या किसका होता है आपका, प्रोटीन से बना होता है। जैसे आपका क्या होता है, जो जूट का फाइबर होता है, ठीक है ना, जो जूट फाइबर होता है आपका वो कौन सा होता है, सेलुलोज से बना होता है। लेकिन आपका सबको ध्यान होगा कि सिल्क क्या होता है, सिल्क ये किससे बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च जीवन अमर प्लान, तो जीवन अमर प्लान जो कि शुरू की गई किसके द्वारा, LIC के द्वारा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस्टेब्लिश 1956। और साथ ही साथ यहाँ पे बताना चाहूँगा आप सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि LIC कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये प्लान किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो इस चीज को भी ध्यान देना आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगनाथ हिटू जो आपका बर्ड सेंचुरी है ये कौन से राज्य में स्थित है, रंगनाथ हिटू जो आपका बर्ड सेंचुरी है ये कहाँ पे आपकी, कर्नाटक के अंदर, ये कर्नाटक के अंदर है अभी, ठीक है, वर्तमान समय पर। तो बच्चों आज का लेक्चर मैं ये समाप्त कर रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, आगे आने वाले समय पे हम लोग इन क्वेश्चनों को इंक्रीज करते रहेंगे। आप लोगों को लगता है कि जहाँ पे बेटर करना है आप लोग कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं। धन्यवाद।